Hello students, welcome to CR International online classes. Today we will continue chapter 4 rational number. Rational number में हमारा topic चल रहा था rational numbers को कैसे हम add करते हैं और कैसे subtract करते हैं. तो exercise 4 भी चल रही है हमारी. Now open your maths book. Exercise 4 भी. Question number first और second कल हो चुका है बेटा. अब हम देखते हैं इसका question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा एक्सरसाइज 4B का. ऐड ही करना है रेशनल नंबर्स को. इवैल्यूएट है वैसे तो लिखा हुआ है इवैल्यूएट. इवैल्यूएट का मतलब होता है बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, यहां पर कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है. -3/8 है, +1/8, +5/8. थ्री रेशनल नंबर्स है. एक है -3/8, एक है 1/8 और एक है 5/8. ये तीनों रेशनल नंबर्स के बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए बेटा इन तीनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है. तो अगर हम इन सब का एलसीएम भी लेते हैं, डिनोमिनेटर का 8 का एलसीएम भी लेते हैं इस 8 और 8 का, तो 8 ही आएगा. तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका एलसीएम, 8 ही आएगा डायरेक्ट. अब न्यूमरेटर एज इट इज ही रहेंगे, -3 + 1 + 5. अब ये सेम कैसे रहेंगे देखिए बेटा, एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. 8 को 8 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1. 1 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो -3 आएगा. इसी तरह इस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1. 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 = 1. इस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 ही आ जाएगा. तो ये आ गया -3 + 1 + 5. ठीक है, अब हम इसमें 1 by 1 सॉल्व करते हैं. अब ये -3 + 1 है, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को. माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. तो 3 में से 1 गया 2 आ गया, माइनस कर दिया, साइन लग गया ग्रेटर नंबर का. -2 + 5/8 एज इट इज. क्लियर, अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं. एक माइनस का और एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस. 5 में से 2 गए 3, साइन कौन सा लगेगा ग्रेटर नंबर का यानी कि पॉजिटिव. तो +3 और 8 एज इट इज. तो ये आ गया 3/8. तो जैसे हमने कल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में रेशनल नंबर्स को ऐड किया था कि कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स थे जिनके डिनोमिनेटर सेम थे, कुछ ऐसे रेशनल नंबर थे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट भी थे, तो हमने उसमें एलसीएम लिया था. सबसे पहले एलसीएम वाले मेथड से किया था, तो वही मेथड हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यूज करना है. क्लियर, तो उसके बाद एक पार्ट और देखिए बेटा इसके बोर्ड पे. मैं आपको अब इसका करा रही हूं फोर्थ पार्ट. तो फोर्थ पार्ट देखिए बेटा इसका, 8 + (-5/6) + 1 + 1/5. ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर ये होल नंबर है 8, तो इस 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूं 8/1. अब यहां पर ब्रैकेट लग रही है, ब्रैकेट के बाहर भी एक साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी साइन है. ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस का साइन और माइनस का साइन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस बन जाता है. प्लस माइनस माइनस, 5/6 एज इट इज, प्लस एज इट इज. उसके बाद ये आ गया एक मिक्स फ्रैक्शन. अब इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. 5 × 1 = 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये आ गया 6/5. क्लियर, इसके बाद ये तीनों रेशनल नंबर्स जो हैं इनका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है. यहां देखिए यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां 6 है और यहां 5 है. 1, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो देखिए यहां पर 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा. करके दिखाती हूं मैं आपको. 2 × 3 = 6, 5 as it is, 3 पे जाएगा, 3 × 1 = 3, फिर 5 पे जाएगा, 5 × 1 = 5. तो 2 × 3 × 5 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा. तो हमने यहाँ एलसीएम लिख दिया 30. अब एलसीएम को नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब 30 को 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 30, उसको ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 240. क्लियर, माइनस का साइन एज इट इज. 30 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5, और 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25.
प्लस का साइन एज इट इज, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 240 में से जब हमने 25 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 215, ठीक है 215 प्लस 36 एज इट इज अपॉन में 30। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 एंड 5 11, 3 और 1 4 और 1 कैरी था 5, ठीक है और 2 एज इट इज 251 अपॉन में 30। अब हमने क्या करना है, इसको यहां पर भी छोड़ सकते थे, इस आंसर को 251 अपॉन में 30 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मिक्स फॉर्म में लिखने का मेथड क्या होता है बेटा, डिवाइड करके देखते हैं, डिवीजन मेथड यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये किस पे जाएगा, अगर मैं इसको 7 पे लेती हूं तो ये कितना आ जाएगा 210, और 8 लेती हूं तो कितने पे जाएगा 240 पे, तो हम 8 ले लेते हैं 240, क्या आ गया 11। तो हम जब इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो उल्टा हमारे को एक एरो का साइन लगाना है, तो ये आ जाएगा 8/11/30। तो हम इसको लिखेंगे मिक्स फॉर्म में 8/11/30, ये इसकी मिक्स फॉर्म होगी, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर। देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 33 अपॉन में 8, ये एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, इस तरह से लिखना है कि एक तो ये इंटीजर प्लस में एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम 33 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, मिक्स फॉर्म में लिखने के लिए करते हैं वैसे करेंगे, 8 4 32, ठीक है, उल्टा एरो का साइन लगा लीजिए, ठीक है, ये आ गया 4 and 1/8, तो इसकी मिक्स फॉर्म क्या आ गई 4/1/8, जैसे हम मिक्स फॉर्म में लिखते हैं उस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम रीड तो ऐसे करते हैं 4 and 1/8, यानी कि 4 एक होल नंबर और 1/8 उसका एक पार्ट, ठीक है, यानी कि एक होल नंबर में उसका एक और पार्ट ऐड हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4+1/8, ठीक है, तो ये हो गया 4 अलग से एक इंटीजर हो गया, ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो हमने इसको एक इंटीजर प्लस में एक रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, क्लियर, तो ये इसका आंसर आ गया 4+1/8। और पार्ट देखिए इसका, जैसे सेकंड पार्ट है -25/8, इसमें भी हम वही मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड, जैसे मिक्स फॉर्म में करते हैं 25 को 8 से कर देते हैं, ठीक है, तो किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 8 3 24, ठीक है, मिक्स फॉर्म में लिखेंगे 3 and 1/8। अब देखिए ये नेगेटिव था साइन, तो यहां पर जब हमने इसको मिक्स फॉर्म में लिखा तो ये भी कितना आ गया -3 and 1/8। अब ये माइनस का साइन इसका भी है और इसका भी है, दोनों का है, तो हम इसको माइनस के साइन को बाहर लिखेंगे, ठीक है, और जो ये 3 and 1/8 है इसको लिख सकते हैं 3+1/8, ठीक है। अब ये माइनस का साइन दोनों का है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -3 और प्लस माइनस माइनस, -3 -1/8, तो ये एक इंटीजर हो गया हमारा -3, एक नेगेटिव इंटीजर और एक रेशनल नंबर आ गया -1/8, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के इसके 4 पार्ट्स हैं। तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4B का, ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करने हैं। सो डू इट एंड थैंक यू एंड स्टे सेफ एट योर होम।